सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में यह हमारा चौथा वीडियो है। पहले तीन वीडियोज में मैंने कवर किए हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बेसिक्स, दूसरे में मैंने आपके से कवर किए शॉप और ऑफिस स्पेस में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, तीसरे में हमने बात की कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और रिटर्न्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के बारे में बिटवीन कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। एज ऑलवेज चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। सबसे पहला पैरामीटर होता है रेंटल रिटर्न्स। रेंटल रिटर्न्स हमेशा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा मिलेंगे, रेजिडेंशियल में आपको 2-4% के रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं। ये मतलब है कि 2-4% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं इतने। कमर्शियल में आपको आसानी से 6-12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल से समझें इसको, तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए है और आप कंपेयर करना चाहें कि 1 करोड़ से आपको कितने रिटर्न रेजिडेंशियल में मिल जाएंगे और कितने कमर्शियल में, तो अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम यहाँ पे 3% की एवरेज पकड़ें तो आपको 1 करोड़ से 3 लाख रुपए साल का किराया मिलेगा, जिसका मतलब है कि 25,000 रुपए पर मंथ का किराया मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ रुपए कमर्शियल में डालते हैं तो अगर हम 6% के हिसाब से देखें तो आपको आसानी से 6 लाख रुपए पर एनम का आ जाता है रेंट। अब 6 लाख का मतलब हो गया सीधे 50,000 रुपए पर मंथ। और अगर आपका ये 12% तक चला जाता है तो ये 1 लाख रुपए पर मंथ का भी जा सकता है। तो इतनी रेंज होती है कमर्शियल में। आप देख सकते हैं हमेशा रेंटल रिटर्न्स बेटर होते हैं। अब बेटर रिटर्न्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा होगा। तो इसमें रिस्क कंपेयर कर लेते हैं। रेजिडेंशियल के अंदर हमेशा वैकेंसी रिस्क कम होता है। वैकेंसी रिस्क मतलब वो खाली नहीं रहेगी ज्यादातर प्रॉपर्टी, मुश्किल से 5-10% का वैकेंसी रिस्क आता है। लोगों को रहने के लिए तो हमेशा ही जगह चाहिए, तो इसीलिए रेजिडेंशियल के अंदर वैकेंसी रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन कमर्शियल में वैकेंसी रिस्क ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी कहीं आउटस्कर्ट्स में है या वहां पे कभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो हो सकता है सालों साल वो पड़ी रहे, वो डेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तो वो एक रिस्क रहता है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का। रेजिडेंशियल को मैनेज करना हमेशा आसान होता है, खाली आपको टेनेंट को उसको किराए पे देना है और मेंटेनेंस वो खुद ही पे करता रहता है, तो इसमें ज्यादा मैनेज करने का होता नहीं है स्कोप। लेकिन कमर्शियल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज को हमेशा बैकअप भी चाहिए उनका, मतलब अगर कॉर्पोरेट्स को 1 मिनट के लिए भी उनका काम बंद हो गया तो उनका बहुत बड़ा लॉस है। तो इसीलिए हमेशा रिटेल या ऑफिस स्पेस आपसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करेंगे, उनका मैनेजमेंट एकदम अप टू डेट होना चाहिए। तो इसके लिए एक थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी लगती है, कई बार प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को भी हायर करना पड़ता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसमें इनिशियली आप छोटे शॉप से स्टार्ट करें, रिटेल शॉप खरीद लीजिए, एक छोटा सा 200-300 स्क्वायर फीट का ऑफिस खरीद लीजिए, आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर होता है लीज पीरियड का डिफरेंस। लीज पीरियड हमेशा कम समय की होती है रेजिडेंशियल में, 11 महीने का एक स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट साइन होता है जनरली, पर ये ज़्यादा का भी हो सकता है। जनरली मैक्सिमम अगर लोग जाते भी हैं तो 3 साल तक जाते हैं, राइट। लेकिन कमर्शियल के केस में 5-15 साल की लीज साइन होती हैं। इसके अंदर 3+3+3 का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलता है, मतलब 9 साल की लीज चलती है, और एक होती है 5+5+5 की 15 साल की लीज। तो हर 3 साल में रेंट को रीनेगोशिएट कर सकते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट, और अगर चाहे तो टेनेंट वो उसको छोड़ भी सकता है और लैंडलॉर्ड चाहे तो 3 साल के बाद उस लीज को टर्मिनेट भी कर सकता है। तो हर 3 साल के बाद ये रीनेगोशिएट हो जाती है यहाँ पे, तो ये 2 बार रीनेगोशिएट होने का इसके अंदर स्कोप रहता है। उसी तरह 5+5+5 के अंदर भी हर 5 साल बाद हो जाता है रीनेगोशिएशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। रेजिडेंशियल के केस में जनरली 2-4 महीने का रेंट जो होता है वो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होता है, लेकिन कमर्शियल के अंदर क्योंकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है इसीलिए मिनिमम 1 ईयर रेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह जमा होता है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपैरिजन देख लेते हैं कि रेजिडेंशियल के केस में लोअर अमाउंट होता है, कमर्शियल के केस में हायर अमाउंट होता है। तो कुछ केसेस में तो 5-5 गुना तक भी प्रॉपर्टी हो जाती हैं
मतलब उनका जो रेट होता है, अगर एग्जांपल लूं मैं, मान लीजिए अगर रेजिडेंशियल में किसी एरिया के अंदर 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का खरीदने के लिए, तो रेजिडेंशियल का वहीं पे 10,000 से लेके 15,000 तक पर स्क्वायर फीट का रेट हो सकता है आसानी से। और कुछ केसेस में जहाँ पे फुटफॉल्स काफ़ी हाई होते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है, 5-5 गुना तक भी हो सकता है। तो इसीलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं पे 50 लाख रुपए का मकान खरीद सकते हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी उसी एरिया के अंदर आपको कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए की आएगी, उतने ही एरिया की। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा होता है कि रेजिडेंशियल कितने तरीके के होते हैं, या तो आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विला होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज जिन्हें हम कहते हैं, या फिर आप बिल्डर फ्लोर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर प्लॉट का भी एक ऑप्शन होता है, प्लॉट का मैं इस वाले वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, प्लॉट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। यहाँ पे हम बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जनरली, तो प्लॉट मैंने यहाँ पे इस सेगमेंट में कवर नहीं किया है। उसी तरह कमर्शियल के अंदर आप रिटेल स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स या फिर बैंकेट हॉल्स होते हैं, पार्टी हॉल्स होते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जनरली रिटेल या ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो ऑपरेट कर रहा है, जो होटल इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है, वो बंदा ही इन्वेस्ट करता है जनरली। लेकिन हाँ, इसमें एक सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स टारगेट कर सकते हैं, तो कई इंडिविजुअल्स सर्विस अपार्टमेंट एक नई सेगमेंट आ गई है हॉस्पिटैलिटी के अंदर, तो इंडिविजुअल्स इसको भी टारगेट कर लेते हैं। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। टैक्स बेनिफिट्स, यस, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं रेजिडेंशियल के अंदर, लेकिन आपको कमर्शियल के अंदर टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं एज एन इंडिविजुअल। फिर लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है रेजिडेंशियल के केस में, जनरली होम लोन जो होता है वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट का लोन होता है जनरली होम लोन जो होता है। कमर्शियल में आपको लोन मिल सकता है, लेकिन रेंटेड आउट यूनिट होगी अगर वो, तो आसानी से आपको लोन मिल जाता है, वरना खाली स्पेस होगी तो उसके लिए लोन आसानी से नहीं मिलता है। और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है कमर्शियल के केस में। फिर लिक्विडिटी का एक रिस्क होता है, रेजिडेंशियल के केस में थोड़ा आसान होता है सेल करना प्रॉपर्टी को, कमर्शियल के केस में प्रॉपर्टी को सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2-3 साल के लिए, मान लीजिए 2-3 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेजिडेंशियल बेटर है। लेकिन कमर्शियल में आप 5-10 साल का मिनिमम होराइजन मान के चलिए, वरना आपको ढंग से रिटर्न्स नहीं निकल पाएंगे उसके अंदर, और क्योंकि ये बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको एकदम से ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप उसको एकदम से नहीं बेच पाएंगे, तो ये एक लिक्विडिटी का थोड़ा सा रिस्क रहता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिर इकोनॉमी इम्पैक्ट, रेजिडेंशियल के अंदर इकोनॉमी का इम्पैक्ट काफ़ी कम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा रेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ जरूर जाएगी, क्योंकि लोगों को जगह तो चाहिए ही हर जगह पर रहने के लिए। लेकिन कमर्शियल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, मार्केट्स नीचे चले गए, कंपनीज के पास ज़्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आपका रेंट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, और साथ में वैकेंसी का एक रिस्क आ जाता है, वैकेंसीज हाई हो जाती हैं और रेंट नीचे चले जाते हैं। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है इकोनॉमी का, कमर्शियल में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपके कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल में। रेजिडेंशियल के अंदर हमेशा आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे मार्केट्स पास में हों, स्कूल्स पास में हों, हॉस्पिटल्स पास में हों, और उस जगह की कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा घर रेंट आउट होते हैं। उसके बाद कमर्शियल के अंदर जो की फैक्टर्स होते हैं वो आ जाता है मेनली आपका कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से कितना दूर है, मेट्रो आसपास है कि नहीं, रोड्स कितने वाइड हैं, और साथ में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब आप मेनली ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जो या तो सीबीडी का एरिया है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, या सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती हैं कई जगहों पे। जैसे सेंट्रल बिजनेस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सीबीडी का एरिया, अगर गुड़गांव का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो गया आपका साइबर सिटी, राइट? तो अगर आपके आपकी ऑफिस स्पेस या तो साइबर सिटी में है या उसके आसपास है, तो ऐसी जगह पे किराए पे चढ़ना ज़्यादा आसान होता है। या सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हम सोना रोड का ले लेते हैं गुड़गांव के अंदर, आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी किराए पे चढ़ेगी। उसके बाद रेजिडेंशियल इज गुड फॉर मेनली फर्स्ट टाइम बायर्स। जब अगर आप रियल एस्टेट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप रेजिडेंशियल से शुरुआत करें, हमेशा बेटर रहेगा, आपको सारे रिस्क और रिटर्न्स के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद आप कमर्शियल में बाद में जा सकते हैं। एक बार आपने रेजिडेंशियल का एक्सपीरियंस ले लिया,
तो कमर्शियल में क्योंकि नो हाउ और एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए आप एज एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर अगर कमर्शियल में एंटर करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटे शॉप से, लेट्स से स्मॉल शॉप या ऑफिस मान लीजिए, आप उससे शुरुआत करें। लेट्स से 200 से लेके 500 स्क्वायर फीट के जो होते हैं, आप वहां से शुरुआत करें। तो ये सारे ब्रॉडली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के डिफरेंसेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल हैं या सुझाव हैं, या आप कोई फ्यूचर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियोस के लिए, तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।